आप सभी लोगों का नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप एक किचन हॉब खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक बार जरूर पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो आपको एक किचन हॉब खरीदने से पहले कंसिडर करने चाहिए। साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। किचन हॉब एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि एक बार आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो काफी सालों तक आपको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसके अंदर सभी फंक्शनैलिटीज हो जो आपको रिक्वायर्ड है, और साथ ही वो आपके किचन एस्थेटिक्स के साथ भी परफेक्टली मैच करे। आज की वीडियो पॉसिबल हो पाई है अंकुर इलेक्ट्रिकल सेक्टर 9 नोएडा शोरूम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक काफी बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है किचन हॉब्स का। तो मैं आपको साथ साथ ना सारी चीजें दिखा भी पाऊंगा, जैसे जैसे हम चीजें डिस्कस करेंगे और सामने मैं आपको सारी चीजें दिखा भी पाऊंगा। इससे आपको एक करेक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा किचन हॉब खरीदना चाहिए या कैसे आप एक परफेक्ट किचन हॉब को बाय कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं अपने खुद के कुछ रिकमेंडेशंस आपको शेयर करूंगा जो अलग अलग प्राइस रेंज में होंगे, तो वो भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको किचन हॉब्स के अलग अलग टाइप्स बता देता हूँ। इंडिया में मेनली तीन तरह के किचन हॉब्स सेल होते हैं, गैस हॉब्स, इलेक्ट्रिक हॉब्स और इंडक्शन हॉब्स। और इन तीनों में भी अगर हम बात करें तो गैस हॉब्स ही सबसे ज्यादा इंडिया में लोग पसंद करते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन भी गैस हॉब्स के अराउंड ही रहने वाला है। मेनली गैस हॉब्स के अंदर एक या एक से ज्यादा बर्नर होते हैं। वो बर्नर ब्रास या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और इन बर्नर्स के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स या छोटे छोटे होल्स कह लीजिए वो होते हैं, जिसे हम जेट्स बुलाते हैं। इन जेट्स के थ्रू जब नेचुरल गैस या एलपीजी फ्लो करके ऊपर को आती है और उसे इग्नाइट कर दिया जाता है, चाहे ऑटोमेटिकली करें या मैनुअली करें, तो उसके अंदर एक ओपन फ्लेम प्रोड्यूस होती है जो कि आपकी कुकिंग के लिए हीट को प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गई बेसिक सी वर्किंग गैस बर्नर्स की। गैस हॉब के अंदर फायदा ये है कि कोई भी स्पेशल यूटेंसिल्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इंडक्शन हॉब्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एक मैग्नेटिक बेस वाले यूटेंसिल्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो आप यूटेंसिल्स यूज करेंगे वहां पे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं रहती। साथ ही यहाँ पे इंस्टेंट हीट आपको मिलती है, तो जैसे आप नॉब को रोटेट करते हैं अपनी मनचाही हीट आप इंस्टेंटली पा सकते हैं। गैस हॉब्स अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते, क्योंकि अब सारे बैटरी ऑपरेटेड ज्यादातर गैस हॉब्स आने लगे हैं मार्केट के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना, कुछ बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक वाले होते हैं। तो ये आपको एक डिफरेंस ध्यान रखना है एक गैस हॉब को खरीदने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं और साइज एंड डिजाइन ऑफ किचन हॉब्स की बात कर लेते हैं। किचन हॉब का जो साइज होता है इंडिया में मेनली 30 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है, जो कॉमन साइज है जो इंडियंस ज्यादातर पसंद करते हैं, और जो प्रैक्टिकल भी है ज्यादातर वो है 60 से 90 सेंटीमीटर का साइज, और जिसके अंदर आपको 3 से 4 बर्नर मिल जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो किचन हॉब्स का जो लेंथ एंड ब्रेथ होती है वो काफी ज्यादा वेरी करती है। इसका कोई अभी तक स्टैंडर्ड साइज नहीं आता। हर कंपनी अलग अलग मॉडल्स बनाती है, अलग अलग साइजेस में बनाती है। वो आपको कैसे चूज करना है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, किचन हॉब को आप जहाँ पर भी काउंटर टॉप के ऊपर जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं उसके नीचे कम से कम 10 सेंटीमीटर की हाइट अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि गैस हॉब सही से इंस्टॉल हो पाए, क्योंकि पाइप का कनेक्शन इसमें नीचे से लगता है। इलेक्ट्रिक वाली अगर आप लेंगे तो उसका आपको पावर देनी पड़ेगी, तो वो भी वायर ले जानी पड़ेगी। साइज ऑफ किचन हॉब जो है एक दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ बर्नर्स। ज्यादातर इंडिया में 1 से 5 बर्नर्स के किचन हॉब्स आते हैं, और जैसा मैंने बताया कि 3 से 4 बर्नर वाले लोग ज्यादातर पसंद करते हैं। तो जितने ज्यादा बर्नर्स होंगे उनके बीच में एक स्पेसिंग कंपनी को देनी पड़ेगी, तो उतना ही बड़ा साइज होता जाएगा किचन हॉब का। नेक्स्ट फैक्टर है बर्नर की स्पेसिंग। तो बर्नर्स के बीच में स्पेसिंग कंपनी ने कितनी दी हुई है और आपको कितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आपको चेक करना है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि अगर आप पैन या अपने दूसरे यूटेंसिल्स जो हैं वो काफी बड़े साइज के इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बर्नर्स के बीच में अच्छी खासी स्पेसिंग हो, ताकि आप मल्टीपल यूटेंसिल्स को आराम से रखकर अपनी कुकिंग कर पाए। अगर हम कटिंग के डाइमेंशंस की बात करें जो आपको किचन के काउंटर टॉप पे करवानी होती है, वो अक्सर जो होती है किचन हॉब के साइज से थोड़ी सी छोटी रहती है। उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट अक्सर कंपनी मेंशन करती है अपने बॉक्स पे, या फिर अंदर एक कार्डबोर्ड सा प्रोवाइड कर देती है जिसके एग्जैक्ट साइज की आपको कटिंग करवा लेनी होती है अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर। अब डिजाइन की अगर हम बात करें तो बिल्ट इन हॉब्स आते हैं और स्टैंड अलोन हॉब्स। तो इंडिया में बिल्ट इन हॉब्स ज्यादातर चलते हैं, और कुछ स्टैंड अलोन हॉब्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे हॉब्स भी होते हैं जैसे स्टैंड अलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिल्ट इन भी इस्तेमाल में ले सकते हैं।
तो जब आप एक बिल्ट इन हॉब लगाते हैं तो वो ओवरऑल काफ़ी मॉडर्न और एक स्लीक लुक देता है। तो अगर आप एक मॉडर्न डिज़ाइन अगर आपने किचन का करवाया है तो वहाँ पर कोशिश करिए कि बिल्ट इन हॉब्स ही आप चूज करें। स्टैंड अलोन का मतलब वही हो गया कि आप उस हॉब को अपने मनचाहे जगह पर रख सकते हैं। जब डिज़ाइन की बात आती है तो आपको जो मेन कंसिडरेशंस देखने हैं एक किचन हॉब को खरीदने से पहले, वो है उसका फेस प्लेट का मटेरियल, जो कि अक्सर टफेंड ग्लास का बना होता है। आपको बर्नर्स की क्वालिटी देखनी है, नॉब्स की देखनी है, पैन सपोर्ट, और ओवरऑल जो डिज़ाइन है एक किचन हॉब का वो आपके किचन के एस्थेटिक्स के साथ परफेक्टली मैच होगा, तो वो बहुत ही वहाँ पर सुंदर लगेगा। अभी हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ बर्नर्स कैसे चूज करने हैं, कितने बर्नर का आपको किचन हॉब लेना चाहिए। इन बर्नर्स का जो पावर होती है उसकी रेटिंग भी काफी अलग अलग हो सकती है। 1 किलोवाट से 4 किलोवाट की रेटिंग के बीच में अक्सर पावर होती है एक बर्नर की। तो जितना ज्यादा किलोवाट होगा उतनी ज्यादा BTU के अंदर जो हीट का मेजरमेंट होता है उतनी ज्यादा हीट वो वहां पर प्रोड्यूस कर पाएगा। और खास तौर पर इंडियन कुकिंग के लिए आपको चाहिए कि फ्लेम की इंटेंसिटी अच्छी खासी हो। अगर आप मान लीजिए 3 या 4 बर्नर का किचन हॉब खरीदते हैं तो वहां पर उसकी पावर जो है काफी वेरी करती है। मतलब मान लीजिए 3 बर्नर का आपने किचन हॉब खरीदा तो उसके अंदर एक बर्नर जो है हो सकता है वो 3 किलोवाट या 4 किलोवाट कैपेसिटी का हो, बाकी का 2 बर्नर जो है वो 1.5 किलोवाट की पावर का हो। तो इस तरीके से जब आप खरीदते हैं किचन हॉब तो उसके अंदर अलग अलग बर्नर्स हो सकते हैं, अलग अलग पावर के बर्नर्स हो सकते हैं। अब आपको नंबर ऑफ बर्नर्स को चूज कैसे करना है, मान लीजिए आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो वहां पर आपके लिए हो सकता है या 2 या मैक्सिमम 3 बर्नर तक का हॉब सफिशिएंट रह सकता है। और बड़ी फैमिलीज के लिए जहां पर मल्टीपल यूटेंसिल्स में साथ में खाना बन रहा है वहां पर कोशिश करिए कि 4 या उससे ज्यादा बर्नर, 5 बर्नर वाला भी आप किचन हॉब वहां पर ले सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट ज्यादा आते हैं तो वहां पर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप 4 या उससे ज्यादा बर्नर वाला किचन हॉब खरीदें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जो पॉइंट है इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम मटेरियल और ड्यूरेबिलिटी की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारे कॉम्पोनेंट्स आपको बताएंगे जो एक किचन हॉब के अंदर लगे होते हैं और हर एक कॉम्पोनेंट कौन से मटेरियल का बना होना चाहिए ताकि आपको जो है बेस्ट फंक्शनैलिटीज मिल पाए और उसको सालों साल इस्तेमाल में भी ले पाए। सबसे पहला पार्ट है बर्नर। बर्नर की अगर हम बात करें तो बर्नर मेनली एल्यूमिनियम या ब्रास का इंडिया में मिलता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्रास जो है बहुत अच्छा हीट का कंडक्टिविटी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, और ब्रास में कॉपर होने की वजह से वो थोड़ा सा बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चल पाता है। अगर हम बात करें तो इनके ऊपर, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या ब्रास हो, मोस्टली ब्रास के ऊपर आपको इनेमल की कोटिंग मिलेगी। इनेमल की एक एक्स्ट्रा कोटिंग लगी होने की वजह से, जो कि ब्लैक या ग्रे कलर में हो सकती है, उसकी वजह से कोई करोजन का चांस नहीं होता। का जो ब्रास है उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, जब आप क्लीनिंग करते हैं कुछ उसके ऊपर आप ब्रश मारते हैं कुछ करते हैं तो वो डायरेक्ट ब्रास या एल्यूमिनियम से कॉन्टैक्ट में नहीं आता, तो वो जो आपका नीचे मेटल है वो प्रोटेक्टेड रहता है, कोई करोजन का चांस भी नहीं रहता। तो सबसे प्रेफर्ड चॉइस जो रहेगी वो फुल ब्रास का बर्नर होना चाहिए। और ब्रास के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना तो अलग अलग प्राइस रेंज में आपको जो ब्रास का बर्नर लेगा उसका वेट अलग अलग होता है। एल्यूमिनियम के जो बर्नर्स होते हैं उसके अंदर एक नेगेटिव चीज ये होती है कि ओवर द टाइम जब आप उसको हाई टेम्परेचर में रखते हैं या बड़ी देर तक कुकिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकता है या उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो सकती है इतनी ज्यादा हीट की वजह से। अब जो कंट्रोल नॉब्स है वो प्लास्टिक के बने हुए हो सकते हैं, तो अगर आप एक सस्ता किचन हॉब खरीदेंगे तो वहां पर हो सकता है कि जो कंट्रोल के नॉब्स हैं वो प्लास्टिक के बने होंगे। इन प्लास्टिक के बने हुए नॉब्स के अंदर लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो हीट के एक्सपोजर से वहां पर जो है जाम हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, और उसके अंदर वियर एंड टियर भी बड़ी आसानी से हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है कि मेटल के बने हुए नॉब्स, जो कि स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, अक्सर इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ये अच्छा खासा टेम्परेचर को विदस्टैंड कर पाते हैं और काफी सुंदर लगते हैं, स्लीक और काफी मॉडर्न अपीयरेंस वहां पर वो देते हैं। उससे भी अगर आप प्लस में जाएंगे तो आपको रबराइज्ड या फिर सॉफ्ट टच कोटिंग वाले नॉब्स मिल जाएंगे, जिसे जब आप यूज करते हैं ना तो एकदम ग्रिप उसमें बन जाती है और बहुत ही इजी टू यूज वो रहते हैं अक्सर। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है बर्नर कैप्स। बर्नर कैप्स जो होते हैं बड़े छोटे साइज के होते हैं और बर्नर के सेंटर में वो वहां पर लगे होते हैं। अक्सर ये भी एल्यूमिनियम या ब्रास के बने होते हैं, और जो मैंने बर्नर के अंदर आपको एल्यूमिनियम और ब्रास के बीच में डिफरेंस बताया वही डिफरेंस आपका यहाँ पर भी रहता है। बर्नर कैप्स के अंदर भी काफी सारी ओपनिंग्स या जेट्स होते हैं, जिससे जो है फ्लेम बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बर्नर के ऊपर। नेक्स्ट एक मेन कॉम्पोनेंट है पैन सपोर्ट। पैन सपोर्ट जो होता है वो कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो सकता है, और पैन सपोर्ट जो है
है अच्छा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का और हैवी होना चाहिए, इसलिए उसे कास्ट आयरन में अक्सर बनाया जाता है और उसके ऊपर इनेमल की कोटिंग कर दी जाती है ताकि कोई रस्टिंग का चांस ना हो और वो साफ करने में भी आसान रहे। अब ये जितने भी गैस हॉब्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर ऑटोमेटिक इग्निशन का सिस्टम लगा होता है, तो आपको कोई भी लाइटर या मैच की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। जस्ट आपको नॉब को थोड़ा सा प्रेस करके रोटेट करना है और वो वहां पर फ्लेम ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। अब एक डिवाइस जो है आजकल किचन हॉब्स में लगा हुआ आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं फ्लेम फेलियर डिवाइस या FFD। इसका बहुत ही अच्छा काम ये है कि मान लीजिए किसी भी वजह से फ्लेम आपकी बुझ जाती है, तो वहां पर अगर एक FFD डिवाइस लगा होगा तो वो क्या करेगा, वो गैस की सप्लाई को कट कर देगा। जैसी फ्लेम बंद हो जाएगी, किसी भी रीजन से फ्लेम अगर बंद हो जाती है, तो वहां पर वो गैस की सप्लाई को वहां रोक देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इंडिया में स्टेनलेस स्टील या टफन ग्लास की बॉडी कंपनी अक्सर बनाती है, और सबसे ज्यादा जो देखने में अच्छा लगता है, विजुअली जो बेटर लगता है, वो है टफन ग्लास के बने हुए किचन हॉब्स। तो इसकी थिकनेस भी अक्सर अच्छी कंपनीज जो है 7 mm या 8 mm की थिकनेस रखती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में सबसे बेहतरीन ब्रांड्स कौन से हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है और वारंटी का पीरियड क्या है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के किचन हॉब्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छी कंपनीज में अक्सर आपको एक लो प्राइस से लेकर हायर प्राइस की रेंज में, हर एक रेंज में आपको किचन हॉब मिल जाता है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपना बजट देख के चलना है। जो सबसे बेहतरीन ब्रांड्स इंडिया में हैं, जिनका सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, कई सालों के बाद उन्होंने अपना इंडिया में नाम बनाया है, वो है फेपर, एलिका, प्रेस्टीज, ग्लेन, कैफ, बॉश, हिंडवेयर, सनफ्लेम और IFB। तो ये सारी कंपनीज जो हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा किचन हॉब्स को सेल करती हैं। अगर हम किचन हॉब्स की वारंटी की बात करें तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं आपको 5 ईयर की वारंटी वॉल्व्स पे और ग्लास पे देती हैं, और 2 ईयर की वो वारंटी देती हैं जेट पे, स्पार्क प्लग पे, माइक्रो स्विच पे, इन सब चीज़ों पे वो आपको 2 साल की वारंटी देती हैं। कुछ कंपनीज कुछ अपने मॉडल्स में ओवरऑल आपको कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी ही दे देती हैं 5 साल की। अगर हम एक प्राइस रेंज की बात करें तो किचन हॉब जो है आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक भी मिल सकता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि 30-35,000 के जो किचन हॉब्स आते हैं उसमें सारे बेस्ट फीचर्स आपको वहां पर अवेलेबल मिलते हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। और आपको जो एक्सटेंडेड वारंटी इसके अंदर आप ले सकते हैं, वो मोस्टली आप 1 से 2 साल की इस प्रोडक्ट पे ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्लियरली हर चीज समझ आ गई है कि आपको एक किचन हॉब खरीदने से पहले किन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है।